मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर गांव देवी इलाके पर आज एक बड़ा हादसा हो गया है। पहाड़ की चोटी से पत्थर गिरा है और पत्थर गिरने की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला का नाम जो है कविता सुनील वान पसारे बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 37 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि पहाड़ की चोटी से करीब जो पत्थर गिरा है ये दो घरों पर गिरा है। आपको बता दें कि कविता सुनील वान पसारे के घर पे ये बड़ा सा पत्थर गिरा जिसमें कविता की मौत हो गई, और जो एक पत्थर और गिरा वो शांति बाई के घर पर गिरा। हालांकि दोनों घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो पत्थर गिरा वो कविता उस पत्थर के नीचे दबी हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने करीब 15 से 20 मिनट तक बड़ी मशक्कत के बाद कविता को पत्थर के नीचे से बाहर निकाला, और उसके बाद एम्बुलेंस जो है नहीं बुला पाए थे क्योंकि उस स्थिति में वहाँ नहीं थी। इसलिए स्थानीय लोगों ने तत्काल जो है बाइक के जरिए कविता को बुरहानी हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने कविता को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें हादसे की जानकारी मिलते ही जो है आपत्ति व्यवस्थापन की टीम और दमकल विभाग और मनपा के अधिकारी तमाम लोग वहां पर पहुंच गए। खास तौर पर आपको बता दें कि ये हादसा जो है आज शाम करीब 5 बजे के आसपास में हुआ है, और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बारिश भी हो रही थी। बारिश के दौरान ये पत्थर पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा और दो घर इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें कविता सुनील वान पसारे 37 वर्षीय की मौत हो गई है, जबकि एक लड़का जो है वो घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हादसे के बाद जो है यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य पहुँची थी वो मलबा हटाने का काम कर रही है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जो अभी भी पहाड़ की चोटी है वहाँ पर पत्थर जो है वो काफ़ी डेंजर स्थिति में है, और इसलिए जो है एहतियात के तौर पर आसपास के जो मकान है इन्हें मनपा ने खाली करा दिया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अभाट भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुआवजा दिलाने की भी बात कही है कि जो पीड़ित परिवार है इन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। साथ ही जितेंद्र अभाट ने यह भी कहा है कि अभी भी जो पहाड़ की चोटी है वहाँ पर पत्थर जो है वो काफ़ी खतरनाक स्थिति में है, और PWD विभाग के अधिकारियों से वो बातचीत करके इस पत्थर को हटाने की जो है बात कही है कि हटाया जाए इसे, या फिर इसका कुछ ऐसा उपाय योजना बनाया जाए ताकि अगर पत्थर गिरते हैं तो उससे बड़ा हादसा ना हो। हादसे के बाद कलवा मुमरा विधायक जितेंद्र अभाट ने क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, और जो महिला कविता जिसकी मौत हुई है उसे हॉस्पिटल लेकर गया, उसमें से एक युवक ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आपको सुना दें। सर, मुमरा बाईपास गांव देवी पर आज हादसा हुआ है और पत्थर गिरा है दो घरों पर, जिसमें एक महिला की डेथ भी हो गई है। ये हादसा हुआ है और एक पत्थर घर पे जाके ऊपर से गिरा है। ये आपके पीछे जो पहाड़ है उसके ऊपरी भाग में 2-3 पत्थर नज़र आ रहे हैं, उसमें का एक पत्थर नीचे गिरा है और वो आके वो झोपड़ी में गिर गया। औरत जो घर में सोई थी उसके ऊपर वो जाके गिर गया आखिर में, और उस औरत की मौत हो गई। शासन 10 लाख देती है मृत व्यक्ति को, वो तो मिलेगा, लेकिन मुझे सबसे खतरा जो नज़र आ रहा है वो है ये है कि ये पहाड़ के ऊपर और भी 4-5 पत्थर नज़र आ रहे हैं। जल्द से जल्द वो पत्थरों को निकालना पड़ेगा, वरना और कभी भी हादसा हो सकता है। ये PWD के वल्वी साहब आए हैं, उनसे बात की है, मैं अभी रात को मिनिस्टर से भी बात करूँगा, जाके ही बात करूँगा। ये तुरंत इसके बारे में फैसला लेना पड़ेगा। जैसे लोनावला के बाईपास पे, लोनावले के घाट में जब ऐसी आपत्ति आती है तो उस आपत्ति को रोकने के लिए लोनावला में पूरे पहाड़ को उन्होंने जालियां लगी। मुझे लगता है ऐसे जो पहाड़ है इस बाईपास पे, जैसे एक आगे जाके जहाँ खड़ीमोशिन रोड है उसके बाजू में जो पहाड़ है उधर भी हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं। अभी भी दिख रहा है कि पत्थरों का जो बेस, जिसको
स्ट्राटा बोलते हैं, वो स्ट्राटा हिला है, स्ट्राटा हिलने के कारण पत्थर इधर उधर हो गया, ये कभी भी गिर सकता है। तो ये गवर्नमेंट को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, वैसे में बात करके तुरंत इसके पीछे लग के उनको कार्रवाई करने लगी। सर मनपा अधिकारी का कहना था कि PWD विभाग को जो है कई बार इसके बारे में सूचित किया गया था, लेकिन इन लोगों ने वक्त रहते काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये ऐसा है। इसके ऊपर उंगली, उसके ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं होता है। हादसा हो गया, एक सबक मिल गया, अब PWD को काम ये करना पड़ेगा। ये उंगलियाँ उठाने का काम मेरा नहीं, मैं कभी ये करता नहीं, जिम्मेदारी से पेश आया हूँ। घटना घटी है, आगे क्या होगा उसको देख के वो कैसा रोका जाएगा उसकी तस्वीर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम सैयद है। अच्छा, ये हादसा कितने बजे हुआ है, क्या जानकारी? टाइमिंग तो मैंने नहीं देखा, अभी करीबन 1.5 से 2 घंटा हो गया। अच्छा, वो औरत जो एक पत्थर के नीचे दबी थी उसको, हाँ। कितने लोगों ने उसे हटा के निकाला? 50 से 60 लोग थे, पत्थर हिल रहा नहीं था। जस्ट मैं उनके पीछे चाली में रहता हूँ, आवाज़ आया तो हम लोग गए उनको निकालने के लिए, निकाल के जस्ट कंधे पे लेके उनको हॉस्पिटल एडमिट किए, पुराने हॉस्पिटल में। आप लोग कंधे पे लेके? हाँ, बाइक पे लेके भागे, उनको पुराने हॉस्पिटल में एडमिट किए। क्या डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने 5 मिनट के अंदर बता दिए कि ये ऑफ हो चुके।